ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर अभी आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा तो अब इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करती है वीडियो। और हमेशा की तरह आपको मैं बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है क्वेश्चन नंबर 1 का, या जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा 3 और 4 क्वेश्चन का, तो उन सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा करके ऑल वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 4 में क्लिक करना, आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 2 का मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, उसके बाद फिर ट्रांसफर करना शुरू करो, वो लॉन्ग मेथड है। मैं आपको एकदम सिंपल से इजी मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड, उसी से आप सॉल्व करना। यहाँ पर देखो क्या है ना, ये 2 इन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, इतना पता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि बस इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देना है डायरेक्ट, यानी कि ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक्स प्लस 4 का एक्स प्लस 4 इधर रहने दो, इक्वल के उस साइड में 12 पहले से है, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था इधर आकर के ये 2 डिवाइड में बन गया। बस इसको आप सॉल्व कर दो, 2 1 2 2 6 हो गया हमारा 12, तो यहाँ से एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर के मन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करो, ये जो 4 है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, आपको केवल इधर वेरिएबल बचाना है, एक्स वाई जेड जो भी दिया है ना बस उसी को रहने देना है, बाकी सबको धीरे धीरे करके ट्रांसफर करना है। तो पहले हमने 2 को ट्रांसफर किया, अब ये 4 को ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, और ये जो 4 पहले से इधर था प्लस में, इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू निकल गया 6 - 4 यानी कि 2 निकल गया। तो देखो ये कितना सिंपल था सॉल्व करने में, तो दिख भले बढ़ रहा है लेकिन जब आप सॉल्व करना सीख जाओगे एक बार तो बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेगा। ओके, चलो जो बी नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो 3n - 5 इक्वल टू 21, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इक्वल के उस पार है 21, इक्वल की साइन छूट गई थी मुझसे, तो 3 को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बचेगा केवल n - 5 लेफ्ट साइड में, इक्वल के राइट साइड में हमारे पास 21 पहले से है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो n - 5 इक्वल टू 3 1 3 और 3 7 21 होता है, तो यहाँ पर 7 आ गया हमारा। ओके, ये डिनोमिनेटर का जो 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल न्यूमिनेटर का 7 लिख दो। अब क्या है हमारे पास, तो ये -5 है, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो n इक्वल टू 7 और ये -5 इधर आकर के +5 बन जाएगा, तो n का जो वैल्यू हो गया 7 और 5 12 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर का सॉल्व करते हैं। तो सी में हमें कितना दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट में n - 5 इक्वल टू -21, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें -21 कर दिया, वहाँ पर +21 था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो n - 5 का n - 5 ही रहेगा, इक्वल के उस साइड में -21 ये वाला, और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आकर के 3 डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो n - 5 इक्वल के उस साइड में 3 1 3 और 3 7 21 होता है, तो 7 तो आएगा, लेकिन पिछले बार वहाँ पर प्लस वाला 21 था तो +7 आया था, इस बार -21 है तो -7 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और प्लस माइनस हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो n इक्वल टू -7 और ये -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा, क्लियर है। तो n इक्वल टू हमारे यहाँ से कितने निकल गया, माइनस और प्लस आपस में माइनस होता है, ये ध्यान रखना, एक माइनस में है दूसरा अगर प्लस में है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 2, और बड़े वाले नंबर में जो भी साइन रहता है वही साइन आंसर के साथ लगता है, तो बड़े वाले नंबर में माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा, और इस तरीके से हमारा n इक्वल टू -2 इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, डी नंबर सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो डी में हमें कितना दिया हुआ है, -4 फिर उसके बाद 2 प्लस में एक्स इक्वल के उस साइड में हमारे पास है 8, हम सबसे पहले -4 के इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा, इक्वल के उस साइड में 8 डिवाइड बाई में -4 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा कितना हो गया, 2 प्लस एक्स है, एक सेकेंड, 2 प्लस एक्स इक्वल के उस साइड में 4 1 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आप कि कभी भी अगर माइनस की साइन डिनोमिनेटर में है तो जब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे न्यूमिनेटर में ऑटोमेटिक चला जाता है, उसको एक लिखने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि नीचे भी हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ही -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, और उस तरीके से वो ऊपर जाता है, ये शायद मैंने आपको इंटीजर वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है पहले ही। तो यहाँ पर आप क्या करो, ये जो माइनस की साइन है उसको डायरेक्ट आप ऊपर लिख सकते हो, गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, -2 हो गया, नीचे क्योंकि 1 है, 1 को लिखने की जरूरत रहती ही नहीं है डिनोमिनेटर में, केवल आप इस 2 को उतारो और माइनस का साइन को न्यूमिनेटर को ट्रांसफर कर दो, तो ये -2 हो गया। अब क्या करना है हमको, इस 2 को इधर ट्रांसफर करना है, तो x इक्वल टू -2 पहले से है, ये वाला जो 2 है इधर प्लस में है, इधर आकर के ये भी -2 हो जाएगा,
तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, दोनों माइनस और माइनस हैं तो माइनस और माइनस होता है हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा टू और टू फोर, लेकिन साइन उतर जाएगा बड़े वाले नंबर का, तो दोनों तो बराबर ही है, तो यहाँ पर माइनस का साइन उतर जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से माइनस फोर निकल गया। कितना सिंपल था। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास जो माइनस था ना वो इसमें प्लस में दे दिया, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें कितना बोला जा रहा है, ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फोर टू माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास है एट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर प्लस में था वो माइनस है, जो माइनस था वो यहाँ पर प्लस है। देखते हैं कितना आंसर आता है। टू माइनस एक्स तो इधर रहेगा ही रहेगा, इक्वल के उस साइड में एट है, ये वाला जो फोर मल्टीप्लाई में था उसको इधर भेज दो तो ये डिवाइड में फोर हो जाएगा, तो फोर वन जै फोर आ गया, फोर टू जै हमारा एट हो गया, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। तो हमारा टू एक्स सॉरी टू माइनस एक्स जो है इक्वल के उस साइड में हमारा टू बाई वन है, तो टू लिख दो आप उसको। अब क्या करो कि माइनस एक्स को इधर रहने दो, ठीक है, इक्वल के उस साइड में जो टू है इसके साथ ये टू को ट्रांसफ़र करो, तो ये ध्यान रखना कि इस टू के लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन, यानी ये जो टू है ना ये प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इधर आकर के ये टू निगेटिव हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा माइनस एक्स इक्वल टू टू में से टू माइनस होता है कितना आता है हमारा टू में से टू यानी कि जीरो आता है, तो यहाँ पर से हमारा कितना हो गया माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम जानते हैं कि माइनस के साइन को रहना नहीं, इसको भी इधर आप ट्रांसफर कर दो, तो माइनस अभी इधर ट्रांसफर होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस जीरो हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जीरो कभी भी माइनस होता ही नहीं है, तो माइनस जीरो को ही हम क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं। कितना सिंपल था, माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आया, तो बस आप ये ध्यान रखना कि माइनस को हम लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस अब हमारा ट्रांसफर होगा तो इधर तो हमारे पास जीरो है, दूसरा कोई नंबर है नहीं, अगर मान लो दूसरा कुछ नंबर रहता फोर होता ना तो वो माइनस फोर बन जाता, लेकिन और तो कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस जीरो लिख नहीं सकते क्योंकि जीरो ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, तो बस वो जीरो ट्रांसफर हुआ और ये जीरो का जीरो ही रह जाएगा, तो एक्स का जो आंसर निकल गया ना यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू जीरो निकल गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे आपको क्वेश्चन नंबर टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल मेथड मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस आप लेकिन जरूर कर लेना ताकि आपके भी जो डाउट्स हैं वो अपने से क्लियर हो जाएं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है जब प्रैक्टिस करते हैं हम, तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं इसी तरीके से आपको सिंपल मेथड में समझा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।